आप देख सकते हैं तमाम आशा वर्कर्स अपनी गिरफ्तारी दे रही हैं और इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। आशा वर्कर्स गाड़ी में बैठती हुई नजर आ रही हैं और गिरफ्तारी इनकी तरफ से दी जा रही है। एक के बाद एक बस में आशा वर्कर्स बैठती हुई नजर आ रही है। सरकार को क्या मैसेज सोचा? आपने कुछ भी करने रहो ये ना तो ये सरकार सुनी रही मारी बात नहीं सुनी तो जेल में तेरी अंदर जेल में रहेंगे। बिल्कुल हिरासत में ले लिया है, बैठे अपनी मर्जी से हैं, आएंगे खट्टर सरकार की मर्जी से। जब तक खट्टर सरकार हमको तारीख नहीं देती बातचीत करने की, इतना हम जेल से बाहर नहीं आएंगे। आज तो आप देख सकते हैं आशा वर्कर्स पिछले 49 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, हड़ताल पर बैठी हैं और सिविल सर्जन के ऑफिस में ये प्रदर्शन चल रहा था और आज जिला सचिवालय भारी संख्या में आशा वर्कर्स पहुंची हैं। कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है और आप देख सकते हैं सड़क पर जो आने का रास्ता है वहीं पर आशा वर्कर्स बैठ गई हैं। तमाम मांगे हैं जिसमें सैलरी बढ़ाने की मांग है, साथ ही साथ नियमित कर्मचारी करने की मांग है, पीएफ इनका जो है वो कटना चाहिए ये मांग है, साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद जो तमाम सुविधाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए, ऐसी तमाम मांगों को लेकर पिछले 49 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है। और आप देख सकते हैं ये वो जगह है जब आप जिला सचिवालय में एंटर करते हैं वहाँ पर ही अपना जो डेरा है वो आशा वर्कर्स ने जमा दिया है और भारी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात हैं क्योंकि आशा वर्कर्स यहाँ पर पहुँची हुई हैं और भारी संख्या में महिला पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे और इसी के चलते एक तरफ जहाँ प्रदर्शन आशा वर्कर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। 4000 में दम नहीं, 26000 से कम नहीं। आशा वर्कर्स पिछले 49 दिनों से सड़कों पर हैं, सिविल सर्जन के दफ्तर में वो बैठी हुई थी। मैम क्या कुछ मांगे हैं आपकी जिसको लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे? सरकार हमारे साथ दमनकारी अपना रही है, 4000 में हमारा घर नहीं चलता, हमारा परिवार, हमारे बच्चे हैं, हमारा 24 घंटे का काम रहता है, लेकिन सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही है, इसलिए हम आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हाँ, एक तो कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जो न्यूनतम वेतन है, सरकार ने कहा था कि एक घर चलाने के लिए न्यूनतम वेतन 26000 होना चाहिए, लेकिन वो सरकार हमें नहीं दे रही है, झूठी सरकार है। और आने वाले 2024 में हम सरकार को
आपको दिखा देंगे कि आशा वर्कर हो और इनमें कितना दम है। तो आज सड़कों पर उतरे हैं मैम। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं तमाम आशा वर्कर्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और सुर में बोलती हुई नजर आ रही हैं, सरकार इनकी मांगे माने। हमारी मांगे जाए जाओ, सरकार ने अभी तक बात नहीं की। सरकार ने 13 तारीख को संदेशा भेजा था, उस दिन भी स्थगित कर दी थी। अब हमें 17 तारीख को बुलाया गया था और उसको शुक्रवार की क्या तारीख थी जब मांगे क्या क्या? हमारी मांगे कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिया जाए और पीएफ ईएसआई कार्ड बनाया जाए, महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, आशा वर्करों को बैठने का सब सेंटर मिले और आशा वर्करों की एज 65 साल की जाए जो बाकी स्कीम वर्करों की है। फिलहाल कितने दिन हो गए और आज क्या कर रहे हैं? आज 49 दिन हो चुके हैं, डे हो चुके हैं जो आशा वर्कर आज धरने बैठे और आज हम जेल भरेंगे पूरे हरियाणा के आशा वर्कर। जो 20,000 आशा वर्कर है आज टोटल की टोटल जेल में जाएंगे, आए अपनी मर्जी से और सरकार हमें अपनी मर्जी से भेजेगी। इतना सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हमारी मांगों के लिए हमें मैसेज हमें टाइम नहीं देती, बात नहीं करती, बुलाती नहीं, इतना हम जेल से नहीं उठेंगे। मैम क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप सड़कों पर बैठी हैं? सर आशा वर्कर यूनियन 8 अगस्त से हड़ताल पे है और आशा वर्कर की कोई लंबी चौड़ी मांगे नहीं है। तो आशा वर्कर की मांग सिर्फ ही है कि जब तक हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तो उस समय 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। डिमांड तो हमारी कर्मचारी की है लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं जब तक सरकार कोई रूपरेखा बनाती है तो हमें 26,000 न्यूनतम। जेल भरो आंदोलन आपकी तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल सर, क्योंकि लगातार आज हमें 29 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार अपनी हठकर्मिता के तहत आशा वर्कर को। फिलहाल कितनी सैलरी खाते में आती है आपके या कैश? आशा वर्कर के खाते में सर 4,000 रुपए सैलरी आती है और कुछ इंसेंटिव बेस है, वो कुल मिला के 7,500 रुपए बढ़ता है, उसमें से भी 3,500 रुपए तो आशा वर्कर किराया लगता है। 6,000 से 7,000 रुपए आपको महीने के कुल मिलते हैं? मिलते हैं, लेकिन उसमें से भी आशा वर्कर के ऐसे काम है, डिलीवरी लेके जाना, ईएनसी का चेकअप के लिए लेके जाना, मीटिंग में जाना, उसका हमें कोई भी मानदेय नहीं मिलता। 3,500 रुपए है हमारे किराए में खर्च निकल जाते हैं। कम से कम 26,000 की मांग। हाँ जी हाँ जी, तो आप देख सकते हैं ये तमाम आशा वर्कर सड़क पर बैठी हैं। पिछले 49 दिनों से सिविल सर्जन का जो दफ्तर है वहां पर प्रदर्शन चल रहा था और आज जो प्रदर्शन है वो जिला सचिवालय के गेट पर चल रहा है और यहां से पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहा है। यहां से जेल भरती हुई नजर आएंगी ये आशा वर्कर्स। मांग है कि इन्हें एक तो पक्के कर्मचारी का दर्जा मिले, साथ ही साथ जो इनकी 4,000 रुपए सैलरी है वो करीब 26,000 रुपए हो जाए जो न्यूनतम वेतन है, इसके साथ साथ पीएफ ईएसआई का कार्ड बनना चाहिए, जो एक पक्के कर्मचारी को फैसिलिटीज मिलती है वो आशा वर्कर्स को भी मिलनी चाहिए। इसी के चलते ये प्रदर्शन हो रहा है, पिछली 2-3 बैठकें हो गई हैं लेकिन बेनतीजा निकली है। ये प्रदर्शन आगे क्या मोड़ लेता है ये वक्त बताएगा। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, 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 लड़ती पड़े जिंदाबाद, 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 बाजा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये पड़े कहाँ चली, जेल चली, जेल चली, ये पड़े कहाँ चली, जेल चली, जेल चली, खट्टर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, आवाज दो, धन्यवाद। इसके खिलाफ जिंदा। तो आप देख सकते हैं तमाम आशा वर्कर्स अपनी गिरफ्तारी दे रही हैं और इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। आशा वर्कर्स गाड़ी में बैठती हुई नजर आ रही हैं और गिरफ्तारी इनकी तरफ से दी जा रही है। एक के बाद एक बस में आशा वर्कर्स बैठती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में जेल भरो का कार्यक्रम आज आशा वर्कर्स की तरफ से रखा गया है और अब हिरासत में लिया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल।
बिल्कुल हिरासत में ले लिया है, बैठे अपनी मर्जी से हैं, आएंगे खट्टर सरकार की मर्जी से। जब तक खट्टर सरकार हमको तारीख नहीं देती बातचीत करने की, इतना हम जेल से बाहर नहीं आएंगे आज। क्या क्या मांगे हैं? कितनी हमारी मांगे ये है, हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए। जो हमारा न्यूनतम वेतन है वो 26,000 है, जो महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, और जो हमारी 60 साल की रिटायरमेंट की वो उम्र तय की गई है वो 65 साल की जाए। जो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट दिया जाए, और हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए। आप देख सकते हैं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है आशा वर्कर, और भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। एक बस में भरकर आशा वर्कर्स को लेकर जाया जा रहा है, और अब दूसरी जो हरियाणा रोडवेज की बस है जिसे बुलाया गया है, उसमें भी आशा वर्कर्स को यहां पर बैठाया जा रहा है, और जो जेल भरो का कार्यक्रम है वो आशा वर्कर्स की तरफ से किया गया है। हिरासत में लिया गया है आशा वर्कर्स को, और अब ये प्रदर्शन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मांगे हमने आपको पहले भी बताई, क्या कुछ कहना चाहिए? सरकार को क्या मैसेज सोचा? काम नहीं कुछ भी करने रहोगे ना, तो ये सरकार सुन ही रही मारी बात, नहीं सुनी तो जेल में देनी, अंदर जेल नहीं रहोगे। हम इस सरकार से कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो रोएंगे ना बेटा, जेल में तो आप देख सकते हैं आशा वर्कर्स बसों में बैठती हुई नजर आ रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, और ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। मांग है कि 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, साथ ही साथ कर्मचारी का जो दर्जा है वो इन्हें मिलना चाहिए। और इस बस के माध्यम से आशा वर्कर्स को हिरासत में लिया जा रहा है, और आप समझ सकते हैं ये प्रदर्शन अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करीब 50 दिन हो चुके हैं आशा वर्कर्स के प्रदर्शन का, कभी जिला सचिवालय के आगे पुतला फूंका जाता है, कभी जेल भरो कार्यक्रम किया जाता है, कभी सिविल सर्जन के दफ्तर के बाहर बैठकर प्रोटेस्ट किया जाता है। मांगे काफी हैं, देखना ये होगा कि सरकार के साथ जो पहले बातचीत हुई है उसमें तो कोई नतीजा निकला नहीं, क्या आगे कोई इसका हल निकलेगा? आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग।